हेलो, यू आर वॉचिंग लर्निंग विथ फिलोमैथ और इंग्लिश विथ फिलोमैथ एंड दिस इज ध्रुवज्योति शाह विथ लव. टुडेज सब्जेक्ट इज होमोफोन्स. इफ यू रिमेंबर इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड स्पोकन अबाउट होमोनिम्स. सो व्हाट इज अ होमोफोन? Homophone is a word where spelling is different, meaning is different, but the pronunciation is the same. So it is very interesting. आज मेरे पास 20 ऐसे उदाहरण है जहाँ पे हम देखेंगे दो अलग अलग शब्द जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं बोलने में एक जैसा लगता है लेकिन उसका स्पेलिंग अलग है और उसका अर्थ भी अलग है. तो आइए हम देखते हैं. सो वी आर टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट और लर्न अबाउट होमोफोन्स. सो आई विल टेक वन बाय वन. फर्स्ट एग्जांपल इज यहाँ पे देखिएगा वेस्ट. मैं क्यों इस एग्जांपल को लिया है क्योंकि मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ उस कंपनी में काफ़ी बार ऐसे देखा गया है कि लोग एक पेपर में रिक्विजिशन डालते हैं कि उनको कॉटन वेस्ट चाहिए अर्थात WASTE यानी कि जो कपड़े चाहिए कॉटन वेस्ट कॉटन रैग्स हम कह सकते हैं बट उन लोग लिखते हैं कॉटन वेस्ट WEST अर्थात कॉटन पश्चिम में है. सो प्लीज रिमेंबर इट इज वेस्ट WASTE वेस्ट मीनिंग कचरा या कॉटन रैग्स हम बोल सकते हैं क॔टन वेस्ट बोल सकते हैं और वेस्ट WEST मतलब पश्चिम. द सन सेट्स इन द वेस्ट. द सन राइजेस इन द ईस्ट बट सेट्स इन द वेस्ट. तो वेस्ट का दो अलग अलग अर्थ है. एक है कचरा या कोई खराब चीज और दूसरा है पश्चिम. सेकेंड है सन SON सन एंड SUN सन. SON सन मतलब पुत्र बेटा. आई हैव अ सन एंड SUN सन मतलब सूरज. ओके द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. सिंपल. द थर्ड एग्जाम्पल हियर इज सी. सी का दो अर्थ होता है. SEA मतलब समुंदर एंड SEE मतलब देखना. डिड यू सी द मूवी? क्या आपने वो सिनेमा को देखा है? तो वहां पर स्पेलिंग है SEE. Did you go to the sea beach? क्या आप समुंदर के किनारे गए समुंदर में जो बीच है वहां पे गए तो वहां पे स्पेलिंग होगा SEA. ओके. चौथा बहुत फेमस एग्जाम्पल वो है राइट. RIGHT राइट एंड WRITE राइट. राइट का दो अर्थ होता है एक है दायां हाथ और एक सही. ओके. यू आर राइट आप सही हो. और WRITE राइट का मीनिंग है लिखना. डिड यू राइट द लेटर? क्या आपने उस चिट्ठी को या उस पत्र को लिखा तो वहां पर स्पेलिंग होगा WRITE. डिड यू राइट द लेटर? फिफ्थ एग्जाम्पल है टेल. TAIL टेल. टेल का मतलब जानवर का पूंछ. TAIL टेल. द डॉग और दैट डॉग हैज अ लॉन्ग टेल. उस कुत्ता का जो पूंछ है बहुत ही लंबा है. और TALE टेल मतलब कहानी. अ टेल ऑफ टू सिटीज. दैट वॉज अ ग्रेट टेल. ओके. सिक्स्थ हियर. हियर का दो अर्थ होता है स्पेलिंग अलग है. HEAR हियर मतलब सुनना. डिड यू हियर मी? क्या आपने मेरे बात को सुना? एंड HEAR हियर मतलब यहां. कम हियर यहां आओ. ओके. सेवेंथ इज टू. TWO2 मतलब दो एंड TO2 मतलब उसको. पहला एग्जाम्पल TO2. आई हैव टू बॉयज. मेरे पास दो लड़के हैं. TO2 मतलब टू. गिव इट टू मी. गिव इट टू मी मुझे वो चीज दो. टू मतलब किसी को आप दे रहे. टू आई गिव इट टू यू.
ओके सिंपल, आगे बढ़ते हैं। आठवां एग्जांपल है देयर, टी एच ई आर, देयर मतलब उनका, उन लोगों का, इट इज देयर प्रॉपर्टी, टी एच ई आई आर, इट इज देयर प्रॉपर्टी। एंड टी एच ई आर ई, देयर मतलब वहां, गो देयर, आप वहां जाओ, ओके। नाइन्थ एग्जाम्पल इज ब्लू, ब्लू मतलब ब्लो, यू ब्लो समथिंग, ही ब्लू अवे द बलून, बी एल यू डब्ल्यू, एंड बी एल यू मतलब कलर होता है ब्लू, द स्काई इज ब्लू, ओके। दस टेंथ एग्जाम्पल है डाई, दो मीनिंग है, डी आई ई, डाई मतलब मर जाना, वी ऑल डाई, हम सब मर जाते हैं, एंड डी वाई डाई मतलब कलर, डिड यू डाई योर हेयर, क्या आपने बाल को आपने कलर लगाया, डिड यू डाई योर हेयर, सो वहां पे होगा डी वाई ई डाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड, दो मीनिंग है, एफ आई एन डी फाइंड एंड एफ आई एन ई डी फाइंड, फाइंड का मतलब है ढूंढना, फाइंड द बुक, उस किताब को ढूंढो, और फाइंड माई फाइल, मेरा फाइल है जो है वो ढूंढो, फाइंड माई फाइल, आप किसी को कह रहे हो, फाइंड माई फाइल, फाइंड माई बुक, एंड एफ आई एन ई डी फाइंड मतलब आप फाइन लेते हैं ना, ओ द पुलिस फाइंड मी 100 रुपीज, ओके, तो पुलिस ने मुझसे 100 रुपये फाइन लिया है, तो पुलिस मैन फाइंड मी 100 रुपीज और 100 बक्स, तो यहाँ पे होगा एफ आई एन ई डी फाइंड। यहाँ देखो होल, दो होल, एक होता है एच ओ एल ई, होल मतलब होल, ही फेल इन द होल, वो खड्डा में या गड्ढा में गिर गया, ही फेल इन द होल, एंड एच ओ एल ई होल मतलब संपूर्ण, ही रोट द होल बुक, उसने संपूर्ण किताब को लिखा, द होल म्यूजिकल कॉम्पोजिशन वॉज कंपोज्ड बाय हिम अलोन, होल मतलब संपूर्ण। नेक्स्ट है आई, वेरी सिंपल, आई, आई मतलब मैं, आई, ओके, ई वाई आई मतलब आंख, नेत्र, आंख, ओके सिंपल, आई का दो अर्थ, आई मतलब मैं, ई वाई आई मतलब आंख, सिंपल। फिर है बाई, बाई का दो अर्थ है, बी यू आई, बाई मतलब खरीदना, बी वाई, बाई मतलब साथ में, स्टैंड बाई मी, मेरे साथ खड़े रहो, और बाई खरीदने की बात करते हैं, बाई द फ्रूट्स, बाई द वेजिटेबल्स, बाई द बुक दैट यू लाइक, बाई समथिंग, तो यहाँ पे खरीदने की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो बी वाई बाई है, आपके पास, आपके साथ, ओके। डी ए आर डियर और डी डब्ल ई आर डियर, डियर मतलब प्रिय, माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर, ओके, माय डियर सर, डी डब्ल ई आर डियर मतलब एक जानवर का नाम है डियर, ओके, इसे हम जानते हैं जंगल में रहता है, उस जानवर से अच्छा अच्छा खुशबू आती है, तो उस जानवर का नाम है डियर। और बाकी पांच होमोफोन्स के बारे में कहता हूं, आवर, एच ओ यू आर, आवर मतलब घंटा, ही फिनिश्ड द लेटर इन 1 आवर और ही फिनिश्ड द वर्क इन 1 आवर, एक घंटे में उसने अपना काम खत्म किया। ओ यू आर आवर मतलब है हमारा, इट इज आवर फैमिली, इट इज आवर प्रॉपर्टी, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है, सो यहाँ पे होगा हमारा, आवर, ओ यू आर आवर। नेक्स्ट है नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो मतलब जानना, कोई लोग, ही नोज एवरीथिंग, आई डू नॉट नो, मुझे मालूम नहीं है, आई डू नॉट नो, और नो का मतलब है ना, नहीं, नो आई विल नॉट डू दिस, नो मतलब इनकार करना, नहीं, और नो का मतलब है के एन ओ डब्ल्यू, जानना, टू नो समथिंग।
वन ओ एन ई वन मतलब एक वन, और वन डब्ल्यू ओ एन वन मतलब जीतना। आई हैव वन पेन और आई हैव वन टेबल और जीतना डब्ल्यू ओ एन वन। ओके, नोवाक जोकोविच वन द फ्रेंच ओपन। ओके, और रॉजर फेडरर वन द विंबलडन। और फ्रांस वन द वर्ल्ड कप, वन मतलब जीतना। तो वहां पे होगा स्पेलिंग डब्ल्यू ओ एन। 19th है पीस। पीस का देखिए दो शब्द है, दो अलग अर्थ होता है। पी ए सी मतलब शांति, पीस, हैव पीस। देर इज पीस विदाउट वॉरफेयर, युद्ध के बिना शांति है। एंड पीस पी आई ई सी पीस मतलब टुकड़ा। गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड। ओके, तो पीस मतलब एक टुकड़ा होता है और पीस का दूसरा अर्थ होता है शांति। लास्ट है, यह बहुत कंफ्यूज करता है, पर्सनल। पी आर एस ओ एन एल मतलब पर्सनल, मतलब मेरा खुद का। दिस इज माई पर्सनल पेन, दिस इज माई पर्सनल टेक्स्ट बुक, और दिस इज माई पर्सनल डायरी। ये मेरा खुद का सामान है। और पर्सनल मतलब पर्सनल डिपार्टमेंट, कंपनी में होता है ना डिपार्टमेंट, दिस इज द पर्सनल डिपार्टमेंट। तो वहां पे स्पेलिंग होगा पी ई आर एस ओ एन एन ई एल। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा 20 ऐसे उदाहरण, ऐसे शब्द जिसको होमोफोन कहा जाता है, अर्थात बोलने के लिए एक है लेकिन उसका स्पेलिंग अलग है, उसका अर्थ भी अलग होता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अलग अलग इंग्लिश के बारे में आपको जानकारी देता रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।